नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचआरआई न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर दोस्तों निकल के आ रही है। रंजन गोगोई राज्यसभा पहुंचे, जहां पर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जी हां दोस्तों, पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई राज्यसभा में बहुत कम ही नजर आते हैं और गिने चुने मौके पर ही राज्यसभा पहुंचते हैं। आज राज्यसभा रंजन गोगोई पहुंचे थे और राज्यसभा में जैसे ही रंजन गोगोई अपनी सीट पर बैठे और सदन की कार्यवाही प्रारंभ हुई, वैसे ही विपक्षी सांसदों ने राफेल डील का मुद्दा उठाया और यहां पर रंजन गोगोई को भ्रष्टाचारी बताया। दोस्तों आपको बताते चले, बीते साल राज्यसभा सांसद के बतौर मनोनीत होने के बाद पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई बहुत कम ही बार उपस्थिति दर्ज करवाई है संसद में। हालांकि रिकॉर्ड दिखाते हैं कि वह उंगली पर गिनी जा सकने वाली बार ही संसद में नजर आए हैं। और वहीं जब वह दोबारा संसद में पहुंचे तो विपक्षी सांसदों ने इनका घेराव किया और इन्हें भ्रष्टाचारी बताया, क्योंकि इन्होंने ही मोदी सरकार को राफेल डील मामले में क्लीन चिट दी थी और यहां पर राफेल डील घोटाले मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया था। ये दोस्तों इस समय की बड़ी खबर निकल के आई है। रंजन गोगोई राज्यसभा पहुंचे, वैसे ही हंगामा तेज हो गया। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।